हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलएम क्लासेस पर। मैं महेंद्र आज चर्चा करने वाला हूँ ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो हमने पिछली बार वीडियो बनाई थी वो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, एंड आज हम बात करेंगे 50 से 100 तक के क्वेश्चनों की। पार्ट टू हो जाएगा इसी वीडियो का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका हो जाता है परगना, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका बांग्ला हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका मेनली 8 स्टेट हो जाते हैं। एंड पूछा जाता है स्टेट्स के सेपरेट्स, तो आप इसमें बता सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से एक मैप को अगर आप अपने सामने रखेंगे और उसमें एक क्या करना है, ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको करना क्या होता है, बस इमेजिनेशन करनी होती है। एक बार आप अगर यहाँ से देख रहे हैं उस तरफ से उस तरफ तक कॉर्नर तक, तो आपको इजीली आ जाएंगे जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिवसमुद्रम, जिसकी स्थापना 92 में हुई थी। इसकी बात हमने पिछली वाली वीडियो में भी हम कर चुके हैं। सिपकिला और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बाड़ालाचा दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, और ये मध्य प्रदेश में अधिक ज़्यादा बहती है, इसका ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? आपको बता होना चाहिए सागरमाथा कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिट्रा इसका सबसे छोटा आइसलैंड है। और क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो आपका कंचनजंगा सिक्किम में हो जाता है, और इसकी जो है 8611 मीटर ऊँचाई है, ये इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 63 है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपका कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो हो जाता है लाल हो जाता है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो मतलब भारत, इट मीन्स भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो बांग्लादेश के साथ कर रहा है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइड एवं जीवाश्म के कारण होता है, इसका एक रीजन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक 738 मीटर इसकी हाइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो केरल से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल आपका ये हो जाता है, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री जलमार्ग अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 73, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो प्रवाल भित्तियों से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? तो आयरन एंड सिलिका की। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो हम आगे देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो ग्रीस में ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र जो हवाएं होती हैं, तीव्र आर्द्र हवाएं, उन्हें क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी या उनको काल बैसाखी ही कहते हैं। अगला है हमारा, भारत में पर्वत प्रतिशत कितना है? 29.3% हमारे अर्थ यहाँ इंडिया की लैंड पर 29.3% माउंटेन्स हैं, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5:30 मतलब 5:30 है राइट आंसर, 5:30। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो थालघाट दर्रा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अंडमान और निकोबार
किस जलमार्ग से अलग होता है, तो आपका हो जाता है राइट आंसर 10 डिग्री चैनल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 है, छोटा नागपुर का पठार की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है या कहाँ पर है, पारसनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के सबसे दक्षिणी दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, वैगई नदी, राइट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री मिनट आपका हो जाता है 6 मिनट, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए था, यहाँ पर मिनट हो गया है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट, मिनट को ऐसे हम वो करते हैं स्क्रीन पर 6 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, बेतवा नदी है। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो ये मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में पठार का कितना प्रतिशत है, 27.7% प्लेट्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं इंडिया की लैंडफॉर्म्स पर। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, इसकी बात हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। 91 क्वेश्चन नंबर है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वह कौन सी हैं, नर्मदा व ताप्ती हैं। जो डेल्टा नहीं बनाती हैं उन नदियों को क्या कहते हैं हम लोग, उनको जो डेल्टा नहीं बनाती हैं एस्चुरी बोलते हैं उनके मुहाने को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 93 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा एक प्रमुख पत्रिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं, मेघना एवं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब ये वाली है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो होती है 82.5, ये वाली रेखा समय मानक रेखा है जो, वो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो श्रीलंका हो जाएगा, प्राचीन नाम श्रीलंका का सीलोन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल के उदाहरण है, तो ये आपका रवि फसल के उदाहरण है, रवि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 98 है, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल, ठीक है, उत्तरी बिंदु ये जो पड़ता है जम्मू कश्मीर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के दक्षिण में कौन से देश हैं, तो दक्षिण में आपका एक श्रीलंका पड़ जाता है, उसके बाद कोई देश नहीं है, और हिंद महासागर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, एंड अगेन आप लोगों से एक बार फिर से, अगर जिसने भी अभी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें।